1800-11-4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। नमस्कार। 7 गांव, 1 लाख मकान, 35,000 करोड़ रुपए का निवेश और हजारों किसानों की तकदीर। इलाहाबाद हाईकोर्ट अब यह तय कर देगा कि इन सब का भविष्य क्या होने वाला है। 16 में से 9 गांव में अदालत साफ कर चुकी है, किसान के साथ धोखा हुआ। लेकिन जिसने मकान खरीदा, अब क्या उसके साथ भी धोखा होगा? इसी चिंता में निवेशक सड़क पर उतरे। मकान बनाने वाला बिल्डर सड़क पर है, मकान बनवाने वाले ठेकेदार और मजदूर सड़क पर है। किसान तो कई साल से सड़क पर आ ही चुका था। क्या नोएडा एक्सटेंशन का फैसला देश भर में जमीन अधिग्रहण करने वाली सरकारों के लिए एक नजीर बन सकेगा? क्या नोएडा एक्सटेंशन के फैसले के बाद किसानों को राहत मिल सकेगी? क्या नोएडा एक्सटेंशन के फैसले के बाद एक अदद आशियाने के लिए जिंदगी भर की कमाई लगा चुके खरीदार अपना सस्ते घर का सपना पूरा कर पाएंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हम आपका सबसे तारुफ करा दें बात करने के लिए। हमारे साथ हैं राजीव श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं एसोटेक के, हमारे साथ हैं अनिल शर्मा जो कि एमडी हैं आम्रपाली के, हमारे साथ हैं श्रीराम खन्ना जो जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत, और हम चलेंगे जी न्यूज संवाददाता कुलदीप सिंह के पास जिनके साथ नोएडा एक्सटेंशन के काफी सारे किसान हैं, और हम चलेंगे जितेंद्र शर्मा के पास जिनके साथ कई सारे ऐसे निवेशक हैं नोएडा में जो कि इस जगह पर पैसा लगा चुके हैं। लेकिन नोएडा के किसानों की मांग के बीच नोएडा एक्सटेंशन की किस्मत का फैसला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को करना है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने नोएडा एक्सटेंशन से जुड़े सभी मामलों को इकट्ठे निपटाने का ऐलान करते हुए 26 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी थी, और अदालत के इस फैसले पर किसानों के साथ साथ हजारों निवेशकों और बिल्डरों की भी नजर है। नोएडा एक्सटेंशन के करीब 40 बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? लाखों निवेशकों के सस्ते घर का सपना टूटेगा क्या? किसानों से हुए सरकारी फरेब का क्या हिसाब होगा? भविष्य की चिंता और तमाम आशंकाओं के बीच नोएडा एक्सटेंशन जमीन अधिग्रहण पर फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में 26 जुलाई को आएगा। इसके तहत रोजा याकूबपुर, हैवतपुर, बिसरख, जलालपुर, घनोला और मालचा गाँव शामिल है। इन गाँवों में गौर, महागुन, आम्रपाली, पंचशील, ग्रीन, सुपरटेक, अरिहंत, ट्राइडेंट जैसे बिल्डर के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। वैसे नोएडा एक्सटेंशन की करीब 2000 हेक्टेयर जमीन में से 1227 हेक्टेयर का अधिग्रहण रद्द हो चुका है, यानी 60% जमीन वापस किसानों को देने का अदालत ने फैसला कर लिया है। इस हकीकत के बीच नोएडा एक्सटेंशन के करीब 1 लाख फ्लैट्स में से आधे की बुकिंग भी हो चुकी है, जबकि 30% इलाकों पर काम भी शुरू हो चुका है। शाहबेरी गांव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई निवेशक भी अदालत पहुंच चुके हैं, साथ ही बिल्डर भी अदालत से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में लाखों लोगों की नजर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ है। ब्रह्म प्रकाश दुबे और अश्विनी गुप्ता के साथ इंद्रजीत राय, जी न्यूज, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा। तो हम ले चलेंगे आपको किसानों के पास भी, निवेशकों के पास भी, किसान नेता भी हमारे साथ हैं, बिल्डर भी हमारे साथ हैं, और उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ने वाले एक्टिविस्ट भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मेरा सवाल अनिल शर्मा आपसे, कई सारे प्रोजेक्ट लटके हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, एक्चुअली जो भी पहले हम लोगों ने बात की इस फोरम पर, कई बार बात की है कि जो लैंड हम लोग को अलॉट हो गया, किसी इंडस्ट्री को हो गया, आईटी को हो गया, किसी भी सेक्टर को हो गया, अगर उस पर डेवलपमेंट हो जाता है, अगर उस पर या तो इंडस्ट्री चालू हो जाती है या हाउसिंग बन जाते हैं या इंडिविजुअल हाउस भी बन जाते हैं या स्कूल बन जाता है, कॉलेज बन जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसमें एक बात कंसिडरेबल है कि अगर जब इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो गया, अगर इसको हम लोग रीअनडू करते हैं तो इसमें बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति की संभावना होती है। और कई ऐसे निवेशक जो अपना हार्ड अर्न मनी लगा चुके हैं, कई ऐसे डेवलपर या बिजनेसमैन या इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर लगा चुके हैं अपने पैसे, तो उसका कोई, जिसे कहते हैं कि उसका कोई
ये पता नहीं चल पाता है कि मान लिया कंटिन्यू नहीं हो सकता। राजेश श्रीवास्तव जी, देश के बहुत सारे इलाकों में आपके काम चलते हैं, कई जगह ऐसी सूरत सामने आती होगी, क्या आपको नहीं लगता ऐसे में बिल्डर को तैयार रहना चाहिए कि अगर जरूरत पड़ रही है तो पैसा फिर और दिया जाए? देखिए, इसे समस्या को हम लोगों के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। यह समस्या के गूढ़ रहस्य को समझना भी बहुत जरूरी है कि यह समस्या क्या है और इसका हल क्या है। देखिए, इस समस्या का हल एक किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समस्या आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ न केवल किसान ही जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक बहुत बड़ा वर्ग जिन्होंने फ्लैट खरीदा है वो जुड़ा है। इसके साथ आप समझें, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत सारे परिवार जिनके सदस्य इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार का ही भविष्य इसके साथ टिका हुआ है। माननीय न्यायालय ने भी इस पे जो निर्णय दिया है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि कल का आने वाला निर्णय बड़े परिप्रेक्ष्य में आवेगा, जिसका एक समाज पे महत्व पड़ेगा, और ये जो समस्या चल रही है उस समस्या का निश्चित रूप से समाधान निकल के आएगा। राकेश ठीक है जी, क्या कहते हैं आप, किसानों के साथ अन्याय हुआ है, अब निवेशकों के साथ? बिल्कुल, पहले तो किसानों के साथ ही अन्याय हुआ है। किसान देश में लड़ाई लड़ रहा है बहुत दिन से, उसका साथ किसी ने ही नहीं दिया। आज अगर कोर्ट ने उसका साथ दे दिया है तो आज निवेशक भी, बिल्डर्स भी, इंडस्ट्रीज वाले भी, सरकारें भी, सब चिल्ला रही है भाई किसान सड़क पर लड़ रहा था, किसान गोलियां खा रहा था। किसने, जिसने फ्लैट बुक करवाया उसने तो गोली नहीं खाई, वो एक आदमी नहीं मरा, कोई बिल्डर गोली से नहीं मारा गया। निवेशक कहते हैं हर किसान के पास नेता जाते हैं, हमारे पास कोई नेता नहीं आया कभी पूछने के लिए कि तुम्हारा भी तो पैसा फंसा है। नहीं, पैसा फंसवाने, वो भी तो पब्लिक के ही आदमी है, उसमें हमारे लोग भी हैं। हमारे जो दोस्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने हमको कहकर भेजा है कि हमारा पक्ष भी रखना। भाई वे कौन है निवेशक, कौन है निवेशक, भी तो वे लोग हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, जिन्होंने कष्ट कमाई का पैसा लगाया, लेकिन इतने उसमें पैसा लगा है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। अब इसका समाधान एक है कि कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की आजादी के बाद में पहली बार उन्होंने बात सुनी है। अब सबको चिल्लाने की जरूरत नहीं, इसका समाधान गांव की पंचायत में बैठ कर निपटेगा, लेकिन वैसे नहीं निपटेगा। इस पर आते हैं कि पंचायत अगर फैसला करेगी तो क्या सबके सब एक राय हो जाएंगे? लेकिन श्री राम खन्ना, बड़ा सवाल यह है कि एक तबके के साथ नाइंसाफी हुई, उसके बाद इंसाफ की राह यह है कि दूसरे तबके के साथ नाइंसाफी कर दी जाए? देखिए, सबसे पहले तो जमीन का मालिक किसान, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राजतंत्र अपने राजधर्म से विचलित होकर भ्रष्टाचार करता है, और इससे बढ़िया मिसाल आपको अगर हिंदुस्तान में मिलेगी तो केवल कर्नाटक में मिलेगी, जहां राजनेताओं ने भूमि को माइंस के जरिए एक्सप्लॉइट करके और करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया पब्लिक को या गवर्नमेंट को। 800 रुपए मीटर जमीन अधिग्रहित की गई यूपी गवर्नमेंट द्वारा, 10,000 रुपए मीटर बिल्डर को बेच दी, और हर मीटर के पीछे 8,000 रुपया मीटर रिश्वत दी गई यूपी गवर्नमेंट को। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कोई भी बिल्डर जिसने जमीन ली है या बिना रिश्वत के अगर उसने जमीन ली होगी तो मैं किसी भी सजा का हकदार बनूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरी जानकारी है। और जब ये हो रहा था, ना तो ऑक्शन हुई जमीन की, ना टेंडर बुलवाए गए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिसने पैसा दिया उसको जमीन दे दी। तो किसान की जमीन पे नोएडा अथॉरिटी ने पैसा कमाया, लोगों ने रिश्वत ली, और इस मिली भगत से गरीब मारा गया किसान। आप देखिए, बिल्डर्स ने अपना पैसा लगाया और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, उनको हक है, हमारा संविधान उनको हक देता है कि आप व्यापार करिए और पैसा कमाइए। शर्मा जी, और उस विश्वास पर निवेशक ने अपना पैसा लगाया कि मुझे आशियाना मिलेगा, परंतु क्योंकि आज कानून का फैसला आ गया है, इसलिए ये सारे जो इक्वेशन जो बनाए गए थे जिस समय जमीन अलॉट की, वो सारे इक्वेशन बिगड़ गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर का नोएडा के साथ, वो भी वॉइड हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया उसको। शर्मा जी, जब पैसा कमाने के वक्त देर नहीं थी, पैसा देने के वक्त देर नहीं थी, तो अब जब निवेशक फंस रहा है तो उसको भी तो पैसा देने के लिए तैयार रहना चाहिए बिल्डर को। देखिए, जब हम लोग इतने दिनों से इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं आपस में,
आप खन्ना साहब हैं, कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं, आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि समस्या का निदान कैसे हो। अगर आप किसी को फांसी दे दें, गर्दन काट दें, उनको कुछ भी कर दें, उससे समस्या का निदान तो नहीं होगा। जो 4 लाख बायर्स आज परेशानी में हैं, उनके हार्ड एंड मनी लगे हुए हैं, उन इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो लाखों की संख्या में जिनका इम्प्लॉयमेंट खराब हो रहा है, जिनकी रोजी रोटी बर्बाद हो रही है, उसके बाद जो उससे जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन उनके समझिए कि रोजी रोटी पे आफत आ गई है। सवाल इस बात का है कि उस पर तो कहीं ना कहीं बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में बॉडी नहीं है, रेगुलेटर्स नहीं है, माननीय न्यायालय है, माननीय कई ऐसे फोरम है। सवाल ये उठता है कि अगर ये समस्या आज आ गई है, क्योंकि देखिए जहां तक लैंड एक्विजिशन पे सारी बातें हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, जब उस लैंड एक्विजिशन ही निकल गई तो उसके बाद तो सारी चीजें खत्म हो गई। जब सरकार को ही मालिकाना हक नहीं है तो फिर वो उसने जो जमीन डेवलपर को दी या इंडस्ट्रियलिस्ट को दी उसके पास है ही नहीं। सवाल है जो लाखों लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, या लाखों लोग जिनकी इंडस्ट्री, आप ऐसा ना समझे कि ये खामोखा बिल्डर्स को ये जगह दे दी गई है। मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहूंगा, चाहे इंस्टीट्यूशन चल रहा हो नोएडा या ग्रेटर नोएडा में, चाहे आईटी चल रहा हो या कन्वेंशन सेंटर हो या ब्रिजेज हो या मॉल बना हो या बिल्डर फ्लैट बना हो या एक एक घर बने हो जिसमें लोग 200-150 गज में रहते हैं, अगर इन चीजों को भी देखा जाए तो ये सारे एक्विजिशंस के मेथड सेम ही है। आज जो हम लोग इस बात को ये कलर देना चाह रहे हैं कि सिर्फ डेवलपर्स ही इससे प्रभावित हैं, बिल्कुल नहीं, किसान की भी बातों को सुनना चाहिए। टिकैत साहब की बात से मैं सहमत हूं। चलिए एक बार हम आपको किसान की बात सुनवाते हैं, सीधे चलते हैं हम अपने संवाददाता कुलदीप के पास, उनके साथ कई सारे किसान वहां पर मौजूद हैं। कुलदीप जरा पूछिए किसानों से, उनको अच्छा लगेगा कि निवेशकों के साथ अगर कल को नाइंसाफी हो। देखिए हम रोजा गांव में हैं रोहित, और हमारे साथ बहुत सारे किसान मौजूद हैं। निवेशकों के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, हम निवेशकों से या बिल्डर से हमारा कहीं से किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, ना हमें अच्छा लगेगा, परंतु हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके लिए हमारा जो लड़ाई है वो मात्र अथॉरिटी से और सरकार से है। उन्होंने अर्जेंसी क्लॉज लगा करके भूमि अधिग्रहण अधिनियम का दुरुपयोग करके 2010 में लैंड यूज चेंज कर दिया, उसकी जानकारी किसानों को बिल्कुल नहीं होने दी। चुपचाप लैंड यूज चेंज करने के बाद में उन्होंने 2011 में बिल्डर्स को लीज करी है, और 2011 में यहाँ पर बिल्डर्स आए तब हमें इस बात की जानकारी हुई। बिल्कुल कुलदीप, सवाल यही है कि अगर खेल हुआ सरकारी स्तर पर, खेल हुआ अफसरों के स्तर पर, उसमें चोट पहुंची किसान को और अब चोट पहुंचे निवेशक को, तो क्या ये इलाज है? हमारे साथ निवेशक हैं बहुत सारे, जितेंद्र पूछिए जरा लोगों से कितने कितने पैसे लगे इनके। जी बिल्कुल रोहित, जो हमारे साथ निवेशक है वो इसी पशुपक्ष में है कि जब उन्होंने पैसा लगाया है तब लगाया था जब बिल्डर्स ने पूरा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था, जब मंजूरी मिल गई थी कोर्ट से। हमारे साथ कुछ निवेशक से पूछते हैं। देवेंद्र जी, कितना पैसा फंसा हुआ है, कितनी ईएमआई जाती है आपकी? मेरे 5,000 ईएमआई जा रही है और 9 लाख के करीब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और साथ साथ किराए पर रह रहे होंगे आप, कितना किराया जाता है? नहीं, अभी मेरा फिलहाल अपना फ्लैट है। तो देखिए ये जो निवेशक थे ये बचे हुए थे, अब हम दूसरे निवेशक से पूछते हैं जी, आपका कितनी ईएमआई जाती है और किस तरह से आपको लग रहा है हालात आगे होंगे? देखिए मैंने 15 लाख का लोन अप्लाई किया था और 15 लाख के लोन में मेरा 5 लाख का डिस्बर्समेंट हो चुका है, जिसकी ईएमआई मेरे को करीबन 4,500 रुपए महीना जाती है। अब जो हालात है आपको क्या लगता है? इस समय मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट पे रहने से मेरी जो मंथली की जो रेंट है वो 7,000 रुपए मंथली रेंट जाता है। ये सोचा था कि विदिन 3 इयर्स 4 इयर्स मेरे को अपना मकान मिल जाएगा, इस पीरियड को मैं जैसे तैसे निकाल लूंगा, लेकिन ये जो पीरियड है अब जो अनिश्चितता की स्थिति आ गई है उसमें मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कि मुझे कब तक ईएमआई देनी पड़ेगी और कब तक रेंट देना पड़ेगा और मेरे पैसे का जो सवाल अनिश्चितता की स्थिति का ही है। जितेंद्र आप रहिए हमारे साथ, सवाल अनिश्चितता की स्थिति का ही है कि कब तक ये अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी और क्या अदालत के फैसले के बाद यह अनिश्चितता खत्म हो जाएगी? क्योंकि बिल्डर कह रहा है कि मामला अथॉरिटी और किसान के बीच का है, निवेशक कहता है कि मामला अथॉरिटी और बिल्डर के बीच का है, लेकिन इस सब में जिन दोनों तबकों को मार पड़ रही है वो दोनों ही तबके ये समझ नहीं पा रहे कि आखिर हल निकलेगा कहां से। ये हल तलाशने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। क्या होगा नोएडा एक्सटेंशन का भविष्य? जमीन की आखिरी जंग आखिरी दौर में है, शहर बसेगा या फिर उजड़ेगा, सबकी नजर इस पर है। हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का पूरा पैनल है, हमारे साथ निवेशक हैं,
हमारे साथ किसान है, किसान नेता है, कंज्यूमर एक्टिविस्ट है और हमारे साथ बिल्डर है। शर्मा जी, नजरें अब सबकी इस तरफ है कि आखिर रास्ता क्या निकले, हल क्या निकले, क्या बिना अथॉरिटी के, बिना अदालत के फैसला निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि जहां तक सभी पक्षों ने अभी तक अपना पक्ष रखा है और हम लोग हर एक फोरम पर, सबसे पहला हम लोगों ने कॉल लिया था जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया तो डेवलपर्स ने और हमने एसोसिएशन की तरफ से सभी अपने जितने भी बायर्स थे उनको हम लोगों ने ये स्पष्ट रूप से एक मैसेज दिया था कि पहला काम हम लोग बायर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनके पैसे का एक एक पाई का हिसाब रखना है। किसान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेंगे बिल्डर जी? प्लीज प्लीज, मैं आ रहा हूँ वहां पे भी, चूंकि बायर से हम लोग का सीधा रिश्ता है, किसान भी हमारे ही फैमिली के हैं, उनके इंटरेस्ट को भी हमें देखना है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोई भी डेवलपर किसी भी अपने निवेशक से मुंह नहीं चुराएगा, उनसे सीधी बात करेगा। हम लोगों ने फोरम बनाया, फोरम पे जहां कहीं भी हमारे निवेशक को या हमारे बायर्स को कोई प्रॉब्लम है हम उस फोरम से सुनवाई करेंगे। हमने सभी लोगों का एक जिसे कहते हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट साइन करवा के रखा हुआ कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम भी आपके खिलाफ रहेंगे। तो इस तरह से हमने निवेशकों को, अपने बायर्स को ये भरोसा दिलाया है और उस भरोसे पे हम लोग आज भी कायम रहेंगे। जहां तक सवाल है किसान का, अगर किसानों का की जो जमीन है वो अथॉरिटी या सरकार लेती है, हम लोगों को डायरेक्ट उनसे खरीदने का प्रावधान नहीं है। यदि हम लोग को डायरेक्ट पैसा देने को तैयार हैं आप, अगर कल को अदालत ये कहती है कि आप पैसा दीजिए, अगर यस बिल्कुल, अगर अथॉरिटी कहती है कि साहब हम मुआवजा बढ़ा रहे हैं और उसके कारण आपके ऊपर भी कोई भार पड़ रहा है, तो हम लोगों ने एसोसिएशन के माध्यम से ये निर्णय लिया है कि हम जरूर बढ़े हुए मुआवजे में सहयोग करेंगे, लेकिन हम अपने जो हमारे बायर हैं, जो हमारे यहाँ मकान खरीद चुके हैं, उनके ऊपर हम ये भार नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है राकेश जी, जी अगर इतनी सद्भाव सब कुछ सब दोनों तरफ मौजूद है फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो ये अभी बैठा कौन है, अभी तो बैठे बातचीत होगी, नहीं तो किसान को तो ये कहते हैं ये तो हंगामा करते हैं। इतने किसान को मुआवजा और बैठ के बातचीत से समाधान नहीं निकले। भाई जब बिल्डर देने को तैयार है तो अथॉरिटी के जो नए सीईओ आए हैं उनको क्या दिक्कत है, वे क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? लेकिन किसानों में एक राय कैसे बनेगी कि मुआवजा चाहिए कि जमीन वापस चाहिए? बढ़ जाएगी जब बातचीत होगी, बढ़ जाएगी। किसान भी है समझदार, जिम्मेदार आदमी है, वहां पे भी बढ़ जाएगी, उनके बीच में जाए तो। लेकिन श्रीराम खन्ना, ये कहां तक जायज है कि एक इलाके के किसान अगर देख रहे हैं कि जमीन का मुआवजा बढ़कर मिल रहा है तो जिनके 12 साल पहले 20 साल पहले जमीनें गई थी वो भी आज खड़े हो रहे हैं कि हमको भी नए दाम के हिसाब से मुआवजा दीजिए। ये जो रास्ता है ये कचहरी ने खोला है। अगर कचहरी 15 साल 20 साल पुरानी एक्विजिशन को भी सेटिसाइड कर देती है तो वहां भी ये स्थिति लागू होगी। ये तो स्थिति कानून ने बदली है। और मेरी समझ जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक जजमेंट दे देती है तो हिंदुस्तान की सभी कचहरियां उसको, उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाती है यह फैसला, और वो अपनी तरफ से कुछ और नहीं कर सकती। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या कोई और स्टेट की हाई कोर्ट हो, उसको ये फॉलो करना पड़ेगा। और जो पुराने मुकदमे लंबित हैं उनके भी फैसले इसी हिसाब से होंगे। ये केवल नोएडा और ग्रेटर नोएडा की कहानी नहीं है, ये देश भर की कहानी। मतलब तो ये राजीव की देश भर में आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा, इस तरह के निर्माण विकास की राह खोलना और मुश्किल हो जाएगा। नहीं रोहित जी, ऐसा है अभी सरकारें, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, अभी जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो अभी यह समस्या उत्पन्न हुई है, अगर आप सच देखिए तो पूरे भारतवर्ष में नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एक हम उदाहरण के तौर पे पेश करती थी डिफरेंट राज्यों की डिफरेंट एजेंसियां। तो इससे कुछ कंपनी, अगर आप माने तो कंपनी विदेश से भी अपने डिफरेंट नेचर को, लैंड एक्विजिशन को लेसन ले रही है, और आने वाले समय में हम लोग पूरी आशा करते हैं कि जो अभी समस्या हुई है और समस्या के गूढ़ रहस्य को समझते हुए इसका एक उचित हल निकाला जाएगा। और जहां तक लैंड एक्विजिशन का सवाल है, देखिए लैंड एक्विजिशन के डिफरेंट शेप होते हैं, हमें उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि सरकारों के पास भी एक यही अस्त्र है या शस्त्र जिसे कहें, जिससे कि विकास का कार्य होता है, जिसमें हमें सारे पक्षों को, जैसे किसान, इतने वर्षों में आपने भी देखा है कि पहले सरकारी प्रोजेक्ट लगते थे उनके लिए जमीन अधिग्रहण होती थी, फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन अधिग्रहण होने लगी, फिर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स सरकार की आड़ में जमीन अधिग्रहण करवाने लगे और फिर उन पर अब यह विवाद खड़ा हुआ है, आज इसलिए सूरत आई है। एक बार किसानों से बात करते हैं, कुलदीप जरा पूछे किसानों से, अगर बिल्डर तैयार होते हैं, कहते हैं कि एक डेवलप्ड हिस्सा कुछ परसेंट उनको देने को तैयार है या कुछ रकम साथ में देने को तैयार है, तो क्या वो मानेंगे
कि जमीन छोड़ दी जाए, उस पर वो काम चलता रहे? जी बिल्कुल, अगर बिल्डर तैयार होते हैं कुछ हिस्सा जमीन का आपको देने के लिए और इसके अलावा मुआवजा भी देने को तैयार होते हैं तो क्या समझौते की राह खुल जाएगी? नहीं, किसानों की तो समझौते की राह पहले से खुली हुई है। किसान कभी भी विरोध नहीं चाहते, किसान तो विकास चाहते हैं क्षेत्र में। कोई भी उचित वो रास्ता निकाल कर लाए किसानों के पास में तो किसान सहमति की तरफ तैयार है। बीज का रास्ता कैसे निकलेगा? किसानों के साथ वार्ता करके, जो इनकी समस्याएं हैं बाजार दर के हिसाब से चाहे उससे थोड़ा कम दे दें, किसानों को उचित मुआवजा मिल जाए, रोजगार की कंपनियों में व्यवस्था हो जाए। हम किसान भूखा रह के विकास नहीं देख सकता, मतलब भूखे पेट से। ये नहीं है कि फ्लैट को देख देख के उसकी भूख खत्म हो जाएगी। रोहित, सबसे पहली शर्त यह है कि बातचीत के लिए कोई आगे आए, एक टेबल पर बातचीत का मसौदा तैयार हो, उसके बाद बातचीत हो, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। बेशक कुलदीप, आप रहिए हमारे साथ, वापस आएंगे आपके पास बात करने के लिए। टाटा में जब प्रोजेक्ट के लिए जमीन ली सिंगूर में तो ये भी कहा कि हम लोगों को ट्रेन करेंगे, साथ में उनको नौकरी भी देंगे। बातें कुछ इसी तरह की नोएडा में भी कही गई थी, एक्सटेंशन में भी कही गई थी, लेकिन जब लैंड यूज बदल गया उसके बाद हालात भी बदल गए और इसीलिए आज ये नौबत आई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं तो पूछेंगे कि क्या बिल्डर्स तैयार होंगे जमीन का डेवलप्ड हिस्सा एक किसान के साथ बांट लिया जाए ताकि उसका भी पेट भरने की स्थिति बनी रहे। छोटे से ब्रेक के बाद तो जमीन की जंग अपने आखिरी दौर में है, फैसला अदालत को करना है और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ अनिल शर्मा है जो कि सीएमडी आम्रपाली है, हमारे साथ डायरेक्टर हैं एसोटेक के राजीव श्रीवास्तव, हमारे साथ श्रीराम खन्ना है जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, हमारे साथ किसान नेता है राकेश टिकैत, हमारे साथ खरीदारों के मंच पर बहुत सारे निवेशक हैं जिन्होंने अपना पैसा लगाया, और नोएडा एक्सटेंशन में कुलदीप सिंह मौजूद हैं जिनके साथ बहुत सारे किसान भी मौजूद हैं जो अपनी बात इस वक्त रख रहे हैं। उसके पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। शाबेरी गांव है नोएडा का, जहां फैसला हो चुका है कि जमीन अब किसानों के नाम है। नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डरों को हिदायत दे दी है कि वो यहां पर अपना काम रोक दें और इसके लिए बाकायदा 7 बिल्डरों को नोटिस भी भेजा गया। नोएडा एक्सटेंशन में कुछ गांव की जमीन पर अदालत का फैसला आ चुका है और बहुत सारे गांव की जमीन का मसला अभी अदालत में है, लेकिन इस बीच ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस तरह के सार्वजनिक सूचना और चेतावनी के बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। इसका मकसद ये है अथॉरिटी का कि जिस मामले में जिन गांव पर फैसला आया भी है वहां पर भी कोई व्यक्ति निर्माण कार्य नहीं कर सकता है, न ही कोई कॉलोनाइजर कोई प्लॉट काट के बेच सकता है। तो इस तरह की कोई भी गतिविधि या कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसको अथॉरिटी बिल्कुल अवैध निर्माण मानेगा। और मतलब क्या है, हम बात करते हैं जो गांव वाले हैं, आप बताइए क्या मतलब है अथॉरिटी का इसको आप लोगों को चेतावनी देना? देखिए, चेतावनी देना अगर ये एक्ट के तहत है जैसा 1976 इसमें लिखा हुआ है तो किसान किसी भी अवैध कार्रवाई की समर्थन नहीं करते, हम भी नहीं चाहते कि यहाँ कोई अवैध कॉलोनी कटे। तो कानूनी स्थिति जो भी हो, लेकिन अगर हम आपको तस्वीरों में बताएं तो यही तस्वीर है कि जगह जगह चेतावनी दी गई है अथॉरिटी की तरफ से कि वो कोई भी निर्माण कार्य ना करें, उस पर पूरी तरह से पाबंदी है। कैमरान अनिल चौहान के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी न्यूज, ग्रेटर नोएडा। तो एक चेतावनी ये है अथॉरिटी की तरफ से, एक नोटिस अथॉरिटी ने पहले दिया था। राकेश जी, किसानों से कहा 30 दिन में जमीन वापस ले लो, वो 2 करोड़ रुपए दे दो जो हमसे लिए थे, किसान कहां से लाएगा पैसा? किसान उस पर खेती करता तो देता भी, अब कहां से? अब तो ये समझौते के आधार पे ही होगा। अब 2 करोड़ तो उन्होंने खर्च कर लिया, अब उनके पास में कहां 2 करोड़ है? आपको लगता है कि बड़ी दिक्कत एक यही है कि भूमि अधिग्रहण जब होता है, सरकार किसान बिल्डर के सामने या कंपनी के सामने या कारखाना लगाने वाले के सामने ये शर्त नहीं रखती कि आप किसान को ये भी बताइए कि आपको जो पैसा मिल रहा है आप उसका बेहतर निवेश कैसे कर सकते हैं, नहीं, आप उसको बचा कैसे सकते हैं, बढ़ा कैसे सकते हैं? कुछ नहीं बताती, उनको ये बता जाता है जी आपके बच्चे की नौकरी भी लगेगी, वो भी लगेंगे, लेकिन हालात क्या है नोएडा के, आप हालात सुन लो। हालात उसमें ये लिखा हुआ है कंपनी के उसमें कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और नोएडा के जाट और गुज्जर, इनको नौकरी ना दी जाए, 2 जातियों को, ये उनके कागजों में लिखा हुआ है। किसी भी हमारा बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो अगर उसके जाति जाट और गुज्जर है तो उसको नौकरी नहीं मिलती। कितनी नौकरियां यहाँ पर नोएडा में दे रखी हैं, कितनी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, तो सारे बेरोजगार यहाँ पर कर दिया, कंपनी खुल गई बेरोजगार हो गए, पैसे में सारे खर्च कर लिया उन्होंने। अब तो ये है कि या तो ये जमीन दे दो और नहीं तो कर ले समझौता, नहीं तो रोड़ा रहेगा। बात ये है, देखिए
जो टिकैत साहब कह रहे हैं ये एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। यहां पर कोई बहुत बड़े उद्योग नहीं है, खेती पर सारा जीवन निर्भर करता है और जो यंग एलिमेंट है इस इलाके का वो बेरोजगार है और इस बीच में यदि किसानों की जमीनें छिनती हैं तो बेरोजगारी और उसका दबाव बढ़ता है क्योंकि जब इकट्ठा पैसा आता है तो वो जल्दी चला भी जाता है। इसलिए इसी कारण से केंद्रीय सरकार नए भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित करने वाली है और दूरगामी उसके परिणाम होंगे, परंतु ये जो समस्या है ये पुरानी समस्या है और इसको पहले समाधान करना पड़ेगा। जिम्मेवारी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की है जिसके कारण ये समस्या पैदा हुई। लेकिन खन्ना साहब आप देख रहे हैं जिस दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, शर्मा जी आप ही से मेरा सवाल चलिए कि जिस दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस दिन से ये सवाल खड़ा हुआ उस दिन से सारे पक्ष हैं सिवाय सरकार के। देखिए मैं एक बात पहले दो तीन जो सवाल पहले आए थे उसको मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात जो आपने सिंगूर की बात की या प्राइवेट डेवलपमेंट के लिए लैंड एक्विजिशन की बात की, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें अगर आप प्राइवेट कंपनीज के लिए अगर लैंड एक्वायर करते हैं तो उसका एक्ट में जो प्रोविजन है वो बिल्कुल अलग है। गवर्नमेंट यदि, क्योंकि उस प्रोविजन में क्या है कि अगर प्राइवेट जिसे सिंगूर में अगर टाटा के लिए जमीन अधिग्रहित की गई है तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा को खुद बनाने हैं, लेकिन यदि नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी जमीन अक्वायर करती है प्लांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है गवर्नमेंट को। इसलिए जो रेट जो हम लोग सुनते हैं कि 800-900 रुपए में जमीन अधिग्रहित की जाती है और रेट 10,000 में बेची जाती है, उसमें हम ये कहना चाहेंगे कि जो 10,000 है सिर्फ डेवलपर या हाउसिंग का है, इंडस्ट्री के लिए 2,000 है या 1,500 है, फिर इंस्टीट्यूशन के लिए 1,000 है जो रिक्रिएशनल है, उसमें ये कहा जाएगा कि उससे 800 रुपए में खरीदिए इंडस्ट्री के नाम पर और उसके बाद घर बनाने के लिए बेच दीजिए। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हम लोग को जानना पड़ेगा। जो ये आप इतना तो मानिए कि इसमें आप मेरी बात नाइंसाफी या बेईमानी, दोनों शब्द आप जो जाए समझे लगाइए, वो सरकार ने की। आप मेरी बात एक जरूर सुने, क्योंकि जो एक्ट में प्रोविजन है उस प्रोविजन को हम में से कोई नहीं बदल सकता है। एक्ट में जो प्रोविजन है वो कहता है कि ये प्लांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं शुरू से ही। इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए लैंड लेना एक अलग बात है, उसके लिए एक्ट में अलग प्रोविजन है। प्लांट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो लैंड लिया जाता है उसमें हर चीज शामिल है, इसलिए हम लोग ये नहीं, इस बात पे डिबेट नहीं करना चाहते। दूसरी बात, अभी जो हम लोगों ने, जो हमारे किसान थे जो बुजुर्ग किसान उनका था, टिकैत साहब की बात उन्हें हम लोगों ने सुना, ये लोग क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज के डेट में सोल्यूशन तो बिल्कुल इनके मुख से निकल गया, सोल्यूशन ये है कि हम लोग मिल बैठ के, चूंकि अब वो जो जमीन जिसपे कंस्ट्रक्शन हो चुके, जिसपे सड़कें बन गई, जिसपे ब्रिजेज बन गए, कहीं से मेट्रो गुजर रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन गया, अब आप उसको पुल डाउन नहीं कर सकते हैं। सवाल अब है कि मिल बैठ के पंचायत के, आपने एक सवाल का जवाब दिया ही नहीं जो मेरा सवाल था। मेरा सवाल ये था कि सरकार ने ईमानदारी दिखाई अब तक शुरू से, चाहे वो विवाद से पहले की बात हो चाहे विवाद सामने आने की बात। मैं हम लोग सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं और एक छोटे से हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेशनलाइज्ड वे में बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने 1991 समस्या यहाँ से खड़ी हो रही है। प्लीज जी, अगर मैं कहना चाहूंगा वहां ईमानदारी थी, प्लीज एक बात मेरी सुनी जाए, 1991 से लैंड एक्विजिशन चल रहा है और कोई एक व्यक्ति इसमें या एक बिजनेसमैन या एक शासन या प्रशासन नहीं रहा है, और देश के कई हिस्सों में जो लैंड डेवलपमेंट है, ये जो लैंड एक्विजिशन हो रहे हैं उसमें भी कोई एक व्यक्ति नहीं है। सवाल इस बात का है कि आज समस्या इन कारणों से, मैं आपकी बात समझ गया। एक बार निवेशकों से पूछ लूं जरा, जितेंद्र कुछ उम्मीद बन रही है उनको, लग रहा है उनको कि कुछ रास्ता निकलेगा उनका भला होगा जिसमें, या उनको लगता है कि आखिरकार पैसा फंसा है और किसी तरह पैसा ही निकालने की नौबत आएगी? देखिए बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर निवेशक बैठे हुए हैं और हम कुछ महिला निवेशक हैं उनसे बात करते हैं जो कि हमारे साथ यहाँ बैठी है, और उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या आगे उनको उम्मीद लग रही है, आपने अपने पैसा लगाया हुआ है क्या उम्मीद लग रही है, कुछ हल नकद नजर आ रहा है आपको? देखिए आज का जो ये समय है सारे निवेशकों के पास, इसमें हम बहस नहीं करनी चाहिए। मुझे किसानों के पंच जो राजेश टिकैत जी हैं उनकी बात बिल्कुल अच्छी लगी कि आज का समय समाधान निकालें हम इस बात, आपकी नजर में क्या समाधान लगता है, क्या लग रहा है आपको? और सबकी बात सुनने के बाद ये है कि किसान भाइयों ने इस जमीन को दोबारा बेचना है प्लॉटिंग करके, अगर भूमि अधिग्रहण रद्द भी कर दिया जाता है तो दोबारा से प्लॉटिंग करनी है, तो भूमि अधिग्रहण रद्द की बात ही न उठे। अगर जैसे कि
अनिल शर्मा जी ने भी कहा कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आज जितना पैसा लग चुका है, करोड़ों का निवेश हो चुका है, सबकी जिंदगी का गाढ़ी कमाई गांव पर लगी हुई है, तो इसका समाधान निकाला जाए। ब्लेम गेम बिल्कुल निकालने की कोशिश हो रही है। जितेंद्र कुलदीप, जरा पूछिए किसानों से, क्या उनको लग रहा है एक मंच पर आने के बाद सारे किसान एक राय होंगे, या तो मुआवजा या जमीन एक तरफ हो जाएंगे, आधे आधे नहीं बटेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मसला है रोहित, सीधे बात करते हैं। क्या सारे किसान एक मंच पर अगर आते हैं तो सबके बीच में एक आम राय बन जाएगी समझौते को लेकर, या कोई अलग बात कहेगा और कोई अलग बात कहेगा? बिल्कुल बन जाएगा। किसान सभी विकास चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, बाजार दर से चाहे थोड़ा कम मिल जाए, उचित मुआवजा मिल जाए, जिनसे उनकी आजीविका, उनका अपने बच्चों का पालन पोषण हो जाए, तो उस समझौते के लिए किसान तैयार है। वो कोर्ट में जाने से पहले भी तैयार थे, बशर्ते कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई, आबादी के प्लॉट उनको नहीं मिले, उनका उचित मुआवजा नहीं दिया गया, इस वजह से किसान कोर्ट गए नहीं, वो तो पहले भी समझौते के लिए तैयार। अनिल शर्मा जी, रोहित, आबादी के प्लॉट उनको नहीं दिए। एक बात बड़ी साफ बार बार आती है कि एक हिस्सा डेवलप करके किसान को दिया जाना था, आप कहते हैं दिया जा रहा है, किसान कहता है नहीं दिया जा रहा। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि दिया। देखिए, एक्चुअली क्या है, जो एक्विजिशन एक्ट में प्रोविजन है मुआवजा प्लस जो इकरार नियमावली है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशली बनाया हुआ है, इकरार नियमावली के अंतर्गत जो किसानों के साथ सेटलमेंट होता है उसके तहत 7% डेवलप्ड लैंड उनको दी जानी चाहिए, और कई जगह दी गई है, दी जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है जो टिकैत साहब ने भी कहा, उनकी बातों से मैं सहमत हूँ, उन लोगों को जिस दिन उनकी जमीन ली जाती है बिल्कुल एक महीना दो महीना के अंदर उनके सारी समस्याओं का निदान हो जाना चाहिए, गांव का विकास हो जाना चाहिए, इसके हम लोग भी पक्षधर हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितने भी निवेशक हैं, निवेशक जो रिटेल निवेशक नहीं, जितने भी डेवलपर हैं या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी इस बातों का जिम्मा दिया जाना चाहिए कि जो आसपास के गांव आपके पास लगते हैं उनकी भी डेवलपमेंट, उनके भी विकास की व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। एक सवाल मैं टिकैत साहब से अनुरोध पूर्वक पूछना चाहूंगा कि सर आप मुझे ये बताएं कि यदि इस तरह की जिसे मुआवजा बढ़ाने की बात होती है या उनको और फैसिलिटी देने की बात होती है तो उसका कट ऑफ लाइन क्या होगा, क्योंकि ये जो समस्या है 1991 से चल रहा है। अब आप बताएं कि नोएडा बस गया, पूरा ग्रेटर नोएडा बस गया। इसी सवाल पर मैं भी आना चाह रहा था अनिल जी, इसी सवाल पर मैं भी आना चाह रहा था, लेकिन उसके पहले एक राजीव जी, आपको लगता है कि बेईमानी सरकारी स्तर पर होती है, सरकारें धोखा कर जाती है बीच में और उसमें फंस जाते हैं फिर बाकी सब लोग? नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार बेईमानी करती है। देखिए, हमारी कुछ एक भारत की एक काम करने की प्रक्रिया है, वो बहुत ही जटिल है, विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इसमें बहुत वक्त लगता है, एक पदाधिकारी की भी अनेक मजबूरियां हैं जिसको काम करने के लिए एक डिफिनेट धरा दिया हुआ है, उससे हटना उसके लिए मजबूरी है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकता है कि सरकार बेईमान है और वह काम नहीं कर रही, सरकार अपने काम को कर रही है, लेकिन जो प्रक्रिया बनी हुई है उसको करने में एक वक्त लगता है, वो वक्त तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब वो सवाल जो इन्होंने उठाया, कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि अगर एक जगह एक नजीर खड़ी हो जाती है, किसानों को कह दिया जाता है कि आपको ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा, तो कल को दूसरी जगह किसान खड़े होंगे, फिर तीसरी जगह किसान खड़े होंगे। एक बात तो कट ऑफ क्या होगा, उन किसानों की क्या गलती है जिनकी जमीन 50 पैसे और 80 पैसे में लूट ली गई, और उस किसान की क्या गलती है जिस किसान की जमीन आज 6 रुपया 80 पैसे मीटर में ली जा रही है? भाई, जहां अगर आंदोलन होगा नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा में या दिल्ली के आसपास, तो वहां के जमीन के आपने रेट बढ़ा दिए, जहां के किसान सभ्य हैं, समझदार हैं, वे आंदोलन नहीं करना चाहते, तो उनकी जमीन आज भी राजस्थान के अंदर 6 रुपया 80 पैसे मीटर में जमीन ली जा रही है किसानों की, दिल्ली के अंदर जमीन ने ली जा रही है किसानों की, जहां पर 10 करोड़ रुपया का रेट है वहां पर आप 73 लाख रुपया दोगे किसानों को, हरियाणा में ली जा रही है, मध्य प्रदेश में आप जमीन लोगे किसान की 50,000 रुपये एकड़। तो जहां पे किसान आंदोलन कर रहा है, ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ठीक हो गया, खन्ना साहब कोर्ट ने निर्णय दे दिया, ये यहाँ पे पूरे देश के भाग्य का फैसला किसान का नोएडा सा होगा है। ये सवाल जो राकेश टिकैत उठा रहे हैं कि जहां का किसान आंदोलन करता है उसको ज्यादा मुआवजा मिल जाता है, जहां का किसान चुप रहता है उसकी जेब कट जाती है, वही बात निवेशक कह रहे हैं कि किसान क्योंकि सड़क पर उतर रहा है इसलिए आप उसको दे रहे हैं सब कुछ, निवेशक सड़क पर नहीं उतर रहा क्योंकि वो नौकरी करता है, वो सड़क पर आने से डरता है, तो आप उसको कुछ नहीं देंगे क्या? क्या ऐसे ही चीजें तय होंगी इस देश में? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जितने पक्ष हैं, हर पक्ष के पास कई दलीलें हैं, परंतु हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कचहरी ने यह कह दिया है कि किसानों के साथ अन्याय हुआ है और ये इसलिए हम निरस्त कर रहे हैं।
यदि किसानों से आपने ये जमीन लेनी है और जो बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं वो खड़ी होंगी और निवेशक को अपना फ्लैट उन दामों पर मिलेगा जो इकरारनामे बिल्डर्स ने उनके साथ करे हैं, तो सरकार को, यूपी सरकार को किसानों के साथ मिल बैठकर सौदेबाजी के बेसिस पे फैसला करना पड़ेगा। आप कहें कि हम कैश नहीं दे सकते, ठीक है, मान लिया, आप डेवलप लैंड का हिस्सा इनका बढ़ा दीजिए, आप इनको एफआईआर दे दीजिए कि ग्रुप इसमें ग्रुप हाउसिंग खड़ी हो जाए, कल वो बिल्डर के साथ मिलके और अपना बना लेंगे, जो जो उनको नुकसान हो रहा है वो उनकी भरपाई हो जाएगी। तो यूपी गवर्नमेंट और नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज किसानों को डेवलप लैंड दे सकती हैं, ये नहीं है कि लैंड खत्म हो गया है, लैंड है और वो दिया जा सकता है। सवाल है राजनीतिक इच्छा शक्ति की, क्या यूपी गवर्नमेंट इसी पहलू को लाना चाहते हैं, नीयत कितनी साफ है। छोटे से ब्रेक के बाद सवाल ये भी होगा। सपनों का आशियाना बन पाएगा या फिर अदालत का हथौड़ा उस पर चल जाएगा, शायद बसेगा या उजड़ेगा, इसी सवाल का जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है खास मेहमानों का। शर्मा जी, हमारे इन्वेस्टर जो मौजूद हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पीछे इतने सारे बिल्डर हैं, आप राजी हैं, टिकैत साहब के पीछे इतने सारे किसान हैं, वो राजी हैं, तो फिर फैसले में देर किस बात की, इंतजार क्यों है कि सरकार का दखल हो या कोर्ट कुछ कहे? नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर कोई बात बनती है, जो हमारे यहाँ एक्ट है, जो कानून है, उसके तहत हम लोग डायरेक्ट किसानों से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात भी करते हैं तो गवर्नमेंट का जो रूल है, नॉर्म है, उसके तहत हम उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, वो लीगल रास्ता नहीं होगा। रास्ता क्या है, किस अथॉरिटी किसानों से बात करे, अगर जो उसके ऊपर अथॉरिटी के ऊपर अधिभार आता है या कोई उस पर एक्स्ट्रा लोड आता है, फिनेंशियल बर्डन आता है, वो हो सकता है इंडस्ट्रीज को वो पास ऑन करें, जिसपे हम कंसेंसस बना के एक निर्णय लेकर के। राकेश जी, क्या वाकई रास्ता नहीं है, बाहर समझौता हो जाए कुछ? नहीं, हो जाएगा समझौता। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण एक्ट बनाया है अपना, उसमें 80% जमीन बिल्डर किसान की सहमति से खरीद ले, 20% का अधिग्रहण हो जाएगा समझौता। लेकिन किसान की जमीन तो बिल्कुल ऐसे मान रहा है कि इसका तो कुछ नहीं, जमीन है, इससे हटाओ और अपना इस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करो, किसान की बूझ कौन रहा? ये तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, हाई कोर्ट आ गया, किसान की जान बच जाएगी, नहीं तो किसान तो आत्महत्या कर रहा है, देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है। ये बट्ठगा रहा बट्ठगा, कोर्ट आ गया तो उसमें उम्मीद है कि रहा बट्ठगा, प्रेस के लोग आ गए कि हमारी आवाज यहां समाजाल लगी, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया, कोर्ट साथ देगा तो रास्ता मिलेगा जरूर। खन्ना साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार चाहती है फैसला हो, हल निकले? अभी तक तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ऐसे सिग्नल नहीं आए हैं जिससे विश्वास व्यक्त किया जाए कि ये उत्तर प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान निकालने के लिए वचनबद्ध है, ऐसा नहीं देखने में लगता। जब तक जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऊपर जो मंत्रालय है, उनके मंत्री स्वयं आकर किसानों से बात ना करें या अपने किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को डिप्यूट ना करें कि भाई सोल्यूशन निकालिए और उत्तर प्रदेश सरकार उस पर मोहर लगाए और ये दोबारा सौदेबाजी से फैसला हो, नेगोशिएशन से फैसला हो, कितनी डेवलप्ड जमीन इनको मिलनी है और जिससे कि किसान सेटिस्फाइड हो, तो इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकलेगी। राजीव, बहुत संक्षेप में, बिल्डर दोबारा खरीदने को तैयार होंगे उसी जमीन को जिसको एक बार खरीद कर आदि बना चुके हैं? देखिए, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर करना कल के निर्णय पे सारा आएगा कि कल क्या होगा। लेकिन जहां तक बिल्डर की बात है, बिल्डर बहुत ही समझौते के लिए तैयार है और इस समस्या का हल चाहता है, शांतिपूर्वक इस समस्या का हल निकले जिसमें हमारे किसान भाई बंधु और हमारे फ्लैट बायर्स सारे संतुष्ट हों। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं कहना कि खन्ना साहब के कि सरकार प्रयासरत नहीं है, यह बिल्कुल मैं नहीं मानता। सरकार पूरी कोशिश ईमानदारी से कर रही है कि इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाए जिससे कि सारे पक्ष संतुष्ट हों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कम से कम इस मंच पर तो लगता है कि सब सहमत हैं बात करने को, एक रास्ता निकालने को। उम्मीद कीजिए अदालत के फैसले के बाद भी स्थिति यही रहती है, कोई हार और जीत की स्थिति नहीं बनती और एक रास्ता निकल आता है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।